क्या डैनियल वन करने वाले हैं अपना AEW डेब्यू। तो गाइस क्या है पूरी अपडेट, तो ये जाने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कुछ समय पहले हमें डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हुए दिखा WWE के साथ, और उनका रोमन रेंस के साथ मैच भी हुआ था, जहां पर शर्त ये थी कि अगर वो रोमन रेंस से मैच हारेंगे तो वो कभी भी स्मैकडाउन पर नहीं आ पाएंगे। और हुआ भी यही, वो रोमन रेंस से मैच हार गए। उसके बाद से ही वो हमें WWE में नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही वो हमें रॉ में नज़र आ रहे हैं, ना ही वो हमें NXT में नज़र आ रहे हैं। और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी WWE के साथ ख़त्म हो चुका है। और अब रूमर सारी कि डैनियल ब्रायन WWE को छोड़ने वाले हैं, और अब वो दूसरी कंपनी में जाने वाले हैं, क्योंकि डैनियल ब्रायन खुद भी कह चुके हैं कि उनको दूसरी कंपनी में काम करने का काफ़ी ज़्यादा मन है। तो ऐसे ही रूमर्स आ रहे हैं कि वो हमें AEW अपना डेब्यू करते हुए देख सकते हैं, या हमें इम्पैक्ट रेसलिंग में अपना डेब्यू करते हुए देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस AEW के ही बन रहे हैं, क्योंकि AEW अभी सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी है WWE के बाद, और इम्पैक्ट रेसलिंग उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। इसलिए चांसेस बन रहे हैं कि डैनियल ब्रायन AEW में अपना डेब्यू कर सकते हैं। अब ये देखना हो कि डैनियल ब्रायन WWE को छोड़कर AEW में अपना डेब्यू करते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि डैनियल ब्रायन वापस से ही WWE अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, लेकिन अगर डैनियल ब्रायन AEW में जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा, और वो देखने लायक होगा कि फैंस का क्या रिएक्शन है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक थी, आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल नए चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।